पंकज आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और हम खड़े हैं झंकार मोड़ में कोमाकी शोरूम में जो कि शहर का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम है। इसी के विषय में आइए हमारे बीच एक्सपर्ट्स हैं कशिश जी, उनसे हम जानते हैं और चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। तो कशिश जी आपका स्वागत है ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में, हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा क्या है कैसे। नमस्ते, आप सभी का कोमाकी शोरूम में स्वागत है। कोमाकी एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स शोरूम है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मिलेंगे, चाहे वो लगेज कैरियर हो या फिर वो डेली यूज़ के लिए हो। हमारे पास इंडिया का फर्स्ट एवर क्रूजर बाइक भी अवेलेबल है जो कि 80 से 220 किलोमीटर रेंज का है। उसका स्पीड अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर होगा। हमारा सबसे बेसिक मॉडल है कोमाकी फ्लोरा, इसका रेंज है अराउंड 80 किलोमीटर। इसे चार्ज करने में अराउंड 4 to 5 hours लगेंगे। 4 to 5 hours हमें प्राय सारे स्कूटीज चार्ज करने में लगेंगे, बट जैसे कि इंडियन क्रूजर बाइक है उसे चार्ज करने में 6 to 7 hours लगेंगे। आप उसे ओवरनाइट रखें एंड देन यू आर गुड टू गो इन द मॉर्निंग। एक लगेज कैरियर बाइक भी है हमारे पास जो कि मिल्समैन लोग के लिए यूज़ हो सकता है सामान यहाँ वाले के जाने के लिए। हमारे पास एक स्पेशल टाइप की स्कूटी है जो कि डिसेबल्ड लोगों के लिए है, जो स्कूटी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं उनके लिए हमारे पास ये 3 wheeler वाली बाइक है। दो टायर पीछे है और एक आगे है, इससे हमें बैलेंस करने में हेल्प होगा। और जो बच्चे हैं जो डेली के लिए स्कूटी जाते हैं हमारे पास, उनके लिए एकदम लो स्पीड वाला एक ऐसा स्कूटी है जिसे रजिस्ट्रेशन का भी ज़रूरत नहीं है। ना हमें हेलमेट चाहिए, ना हमें लाइसेंस चाहिए, हमें बस वो स्कूटी चाहिए एंड देन वी आर गुड टू गो इन द मॉर्निंग। थैंक यू। हमारे पास दीदी है हमारे साथ जो कि एक एक्सपर्ट है ये स्कूटीज के बारे में बताने के लिए, शिल गाइड यू नाउ। थैंक यू। कोमाकी, सो ये है हमारा कोमाकी फ्लोरा जो बहुत ही एक सुंदर, इट गिव्स यू अ वेरी क्लासी लुक। मोरओवर इसका जो रेंज है ये आपका 80 किलोमीटर्स तक चलता है एंड 80 किलोमीटर्स इन द सेंस द स्पीड इट रीचेस अराउंड 80 किलोमीटर्स एंड ये 100 किलोमीटर्स चलता है एक बार चार्ज करने से। मोरओवर का ट्यूब जो है दैट इज़ ट्यूबलेस एंड ये एक बार आप चार्ज करोगे तो 4-5 hours में चार्ज हो जाएगा। इसमें दो वैरायटी है, दिस इज़ द प्रीमियम ब्रांड एंड दिस अनदर वन विच इज़ फॉर 79 एंड दिस इज़ फॉर 90,000। मोरओवर कोमाकी इज़ अ वेरी डिफरेंट ब्रांड फ्रॉम द अदर ईवी क्योंकि इसमें सिर्फ स्कूटी नहीं, आपको इसमें बाइक भी मिल रहा है। स्पेशली एबल के लिए देर इज़ अ 3-wheel स्कूटी एंड देर इज़ अ सप्लाई व्हीकल जो आपको एवरीडे ग्रॉसरी वगैरह के लिए भी हो रहा है। सो प्लीज़ कम विजिटर्स एंड गिव अस लॉट ऑफ लव। कम ऑन सिलीगुड़ी विजिटर्स एंड गिव अस लॉट ऑफ लव। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हम फाइनेंस आपको फाइनेंशियल एड भी कराएंगे एज वेल एज इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन सब विल प्रोवाइड यू ऑल द गाइडलाइंस फॉर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस एज वेल एज लोन। अगर आप EMI में लेना चाहते हो तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तमाम जितने भी व्हीकल्स हैं इसे फुल चार्ज करने में ऑलमोस्ट कितना घंटा
लगता है? 4 to 5 hours. 4 to 5 hours लगता है आपको व्हीकल को चार्ज करने के लिए. और इसके लिए कोई स्पेशल सॉकेट या कुछ स्पेशल इंस्टॉलेशन की दरकार नहीं है. अगर आपके घर के बाहर आप लोग जो नॉर्मल सॉकेट होता है जिसमें आपका माइक्रोवेव चलता है, मिक्सी चलता है, उससे आपका ये स्कूटी व्हीकल हो जाता है, चार्ज हो जाता है. इसमें वी हैव ऑल्सो लोअर रेंज ऑफ व्हीकल जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन की दरकार नहीं, इंश्योरेंस की दरकार नहीं और हेलमेट की दरकार नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस की भी दरकार नहीं. ऑब्वियसली वी विल एडवाइज यू टू वेयर द हेलमेट, बट जैसे कि आजकल बच्चे होते हैं 15, 16, 17 के जिसके वो पेट्रोल व्हीकल नहीं मिलता बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन कि पुलिस पकड़ लेगा ये सब के कारण, तो उनको उसका स्पीड आपका 30-35 से ज़्यादा जाता नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो ये स्कूटिंग एक्सपीरियंस अनुभव कर सके. एंड पेरेंट्स को भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमारे बच्चे सेफ है, क्योंकि एक्सीडेंट होने का चांसेस कम हो जाता है जब स्पीड ज़्यादा नहीं जाता है. तो इन दिस वे कोमाकी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर ईवीज. फुल चार्ज करने में लगभग कितना यूनिट ये कंज्यूम करता है? 1.2 kWh. इसमें आपका एक बार चार्ज करने से 1.2 kWh यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो जिसमें अराउंड आपका 30 rupees, शायद 20 to 30 rupees जितना आपका खर्चा लगेगा इलेक्ट्रिसिटी का. सो आप अगर कंपेयर करोगे इस पेट्रोल से, जो आज पेट्रोल का दाम जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, सिर्फ मात्र 20 से 25 रुपए में आप 100 किलोमीटर ट्रैवल कर सकोगे स्कूटी में. मेरा नाम है आयुषी और मैं कोमाकी में रौनक एंटरप्राइज जो है रौनक के नाम से है, वो मेरे ब्रदर है. आपको मेरे पूरे टीम के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी पूरे टीम को. थैंक यू सो मच. हमारे यहाँ पे टोटल 70 to 80 मॉडल्स है, उसमें रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन दोनों मॉडल्स अवेलेबल है. जो हमें दूसरे इलेक्ट्रिक डिवीजन ब्रांड से डिफ्रेंशिएट करता है वो मोस्टली हमका प्राइस रेंज है, जो बहुत ही अफोर्डेबल रखा है कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स. और हमारे रेंज बहुत रेंज जो स्कूटर का माइलेज है वो बहुत ज़्यादा है, आपका टॉप माइलेज 180 किलोमीटर्स भी जाता है. और हमारे सारे मॉडल्स अवेलेबल है, जो बेसिक प्राइस रेंज है 48,000 से स्टार्ट होते हैं हम लोग का जो बेसिक मॉडल है, और वो आपको 190 किलोमीटर तक जाता है, 1,90,000 तक. आपकी जो प्राइसेस है ऑन रोड है या उसके बाद भी एक्स्ट्रा? इसके बाद जो आपके रजिस्ट्रेशन मॉडल्स में रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का अलग से चार्जेस है, और जो नॉन रजिस्ट्रेशन मॉडल्स हैं बस इंश्योरेंस का अलग से चार्जेस है. मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स का क्या? जी, इसमें हम लोग कुछ सर्विसिंग का कुछ कॉस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपके कुछ ख़राब हो जाए तो हमारे इधर स्टाफ है वो आपको सब ठीक होगा, आपको जाके सारे ठीक करके दे देंगे, सर्विसिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आप चाहें कौन सा टेक्नोलॉजी जो है वो इससे कौन सा टेक्नोलॉजी इंडियन मेड प्रोडक्ट है, मेक इन इंडिया. और फिर सारे डिफरेंट लिथियम बैटरी भी है, जेल बैटरी भी है. लिथियम स्टार्टिंग प्राइस जी हमारा स्टार्टिंग प्राइस 48,000 है, जो आपके हमारे जो लिथियम बैटरी के जो स्कूटर उसके उसका 3 years है, एंड जो जेल बैटरी का उसका 1 year वारंटी है. ये वारंटी है मेरे आपका स्कूटी और अप्रॉक्स 5-6 years को आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. स्कूटी में सबसे ज़्यादा मज़ा लगता है उसका बैटरी जी. बैकअप क्या है और उसका क्या
ऐसे कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं, आपको कंपनी का तरफ से 3 ईयर्स और 1 ईयर का वारंटी प्रोवाइड होता है। लेकिन अगर आपका बैटरी बाई चांस ऐसा होगा नहीं, अगर बाई चांस कुछ खराब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो कंपनी का तरफ से हमको बैटरी प्रोवाइड हो जाएगा। जो आपका पुराना बैटरी आप एक्सचेंज करके लोगे तो उसमें और भी प्राइस ऑलमोस्ट हाफ से भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा पुराना बैटरी एक्सचेंज करके लोगे तो। बैटरी का मोस्टली कुछ इश्यूज आएगा नहीं, अगर बाई चांस आता है तो कंपनी का तरफ से सब प्रोवाइड हो जाएगा। फोन चार्ज करने के बाद कितने किलोमीटर आपका आपका सारे डिफरेंट मॉडल्स का डिफरेंट रेंज डिपेंड्स ऑन द मॉडल। ठीक है, आप कौन सी बैटरी ले रहे हैं, कितने माइलेज की बैटरी ले रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप जेल बैटरी, दो तरह के ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, जेल बैटरी और लिथियम बैटरी, तो आप कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं। यहाँ पर सिलिकॉन पहला शोरूम का ओपनिंग हुआ है, क्या कहेंगे? कोमाकी दिस इज एक्चुअली एक इनिशिएटिव है सो दैट एक इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंट को भी हम लोग बेटर कर सके, बिकॉज इसमें जितने भी मॉडल्स है सब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, इसमें स्कूटीज है एंड बाइक्स है। बाइक्स अभी तक सिलीगुड़ी में कोई भी ब्रांड्स में नहीं आया है, सो कोमाकी इज़ द फर्स्ट ब्रांड जिसमें ईवी बाइक्स आए हैं। मोर ओवर ईवी एज अ होल बहुत डिफरेंट है फ्रॉम पेट्रोल जो स्कूटी या बाइक्स होते हैं, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि पेट्रोल का अभी प्राइजेस भी बहुत इंक्रीज होते जा रहे हैं, सो ईवी उनको एज एन फाइनेंशियल व्यू से एन इकोनॉमिक बर्डन को भी कम करेगा। इट इज़ वेरी लाइट ऑन पॉकेट्स। एंड सेकेंडली जो आपका पेट्रोल, हम लोग को पता है कि वो फ्यूल कम्बस्ट होकर बहुत सारे इन्वायरमेंटल को हार्म करने वाले गैसेस को इमिट करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2, ये इन्वायरमेंट को बहुत हार्म कर रहे हैं। एंड हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे साल इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इस बार सिलीगुड़ी में जो गर्मी थी, इससे पहले हमने कभी भी ऐसा गर्मी सिलीगुड़ी में अनुभव नहीं किया। सो ईवी इज़ ऑल्सो एन आंसर टू दोज एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको आंसर करने का, बिकॉज कि इससे कोई पॉल्यूशन बहुत बहुत ही कम हो रहा है। मोर ओवर नॉइज़ पॉल्यूशन भी आज के दिन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, तो ईवी में कुछ भी नॉइज़ इमिट नहीं होता है जब हम स्टार्ट करते हैं। और कुछ ऐसे मॉडल्स है जिसमें कि नॉइज़ है, लेकिन वो सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए टू बेटर द एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग अ मॉडल्स सच मॉडल्स। और ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे आपके साथ, हमारे बीच हमारे कैमरामैन, हमारे सहयोगी भाई।